आज मैं आप लोगों को लहसुन धनिया की चटनी बनाना बताती हूँ टेस्टी तरीके से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने धनिया को वॉश कर लिए हैं, ये लहसुन लिए हैं पत्ते वाले, एक टमाटर ले लिए, ये मिर्च डालूँगी सूखी मिर्च लाल मिर्च। अब सब इन सारे को मैं चाकू की हेल्प से कट कर लेती हूँ। देखिए हमने चाकू की मदद से कट कर लिए, और यहाँ पे पीसना ही है तो इसलिए मोटे मोटे हमने काटे ना, ताकि मिक्सर ही तो चलाना है। और यहाँ पे मिर्च ले लिए, हरी मिर्च इतना, लाल मिर्च ले लिए। इसमें अगर खट्टा डालेंगे ना, खटाई जैसे डालते हैं ना, तो आपकी चटनी और टेस्टी बनेगी, इसलिए हमने खटाई डालेंगे। देखिए यहाँ पे दो खटाई आम की है ना, ये इससे ना बहुत अच्छी लगती है चटनी स्वाद। चलिए अब इसको ग्राइंडर करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने मिक्सर ले लिया है, अब सारे आइटम को उसमें डाल दूंगी ताकि ग्राइंडर कर ले। इसी में हम मैं नमक मिक्स कर दूंगी ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। आप ऐसे चटनी बनाएंगे ना, रोटी चावल किसी भी चीज़ से अच्छे से खा लेंगे। चलिए अब इनको ढक्कन लगाकर पीस देते हैं। देखिए हमारा चटनी कैसे पीस गई है अच्छी तरह से। देखिए देखिए कितना अच्छा पीस गए हैं, इसको निकाल लेंगे हम। देखिए चटनी कितना अच्छा मोटी मोटी सी है, ढाल लेते हैं ना चम्मच के सहायता से, निकाल लेंगे मैं इसको। देखिए हमारी चटनी बन गई, देखिए कितना अच्छी दिख रही है, टेस्ट भी करने में अच्छी है। इसको पकौड़े के साथ खा लो, चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ। मैंने तो पकौड़े के साथ खाने के लिए बनाई हूँ, क्योंकि हरी मिर्च और धनिया पत्ता की चटनी लहसुन की मेरे को बहुत फेवरेट है, पसंद है। देखिए कितनी अच्छी लगा। अगर आप लोग को भी चटनी खाने का मन करे तो घर पे खुद बनाइए, बनाकर एक बार जरूर टेस्ट करिए कैसा बन रहा है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छी है, टेस्टी है।